जब कोई इस दुनिया से जाता है तो उसकी अहमियत याद आती है और तब लोग उस खाली स्थान के लिए उसे याद करते हैं और रोते हुए कहते हैं कि अब इस स्थान को कौन भरेगा या दुनिया के इस फील्ड को कैसे देखा जाएगा। ठीक वैसे ही आज इस समय दुनिया दुखी है क्योंकि रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले और नोबेल पुरस्कार विजेता आर्च बिशर एमिरिट्स डेसमंड टूटू नहीं रहे। खबरों की माने तो टूटू का निधन रविवार को 90 साल की उम्र में हो गया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका का नैतिक कंपास कहा जाता था। डेसमंड टूटू को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मंडेला के बाद टूटू एक बड़ा नाम था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनके निधन पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आर्च बिशप एमिरेट्स डेसमंड टूटू का निधन दक्षिण अफ्रीका की एक बहादुर पीढ़ी का अंत है जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर हमें एक नया दक्षिण अफ्रीका दिया है। रामफोसा ने आगे कहा कि उन्होंने खुद को एक गैर सांप्रदायिक मानवाधिकारों के यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में प्रतिष्ठित किया। हालांकि राष्ट्रपति ने डेसमंड टूटू की मौत के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी उसके बाद टूटू के निधन पर शोक जताने वालों की बाढ़ आ गई। पीएम मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि आर्च बिशप एमिरेट्स डेसमंड टूटू विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे। मानवीय गरिमा और समानता पर उनका जोर हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं और उनके सभी प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आर्च बिशप डेसमंड टूटू के निधन पर मेरी संवेदना। वो रंगभेद विरोधी आंदोलन के हिमायती और गांधीवादी थे। सामाजिक न्याय के ऐसे महान नायक दुनिया भर में हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। अफ्रीकी मीडिया के माने तो 90 के दशक में पता चला कि टूटू को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है और पिछले कुछ सालों में वो इलाज के लिए कई बार अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं। टूटू को अक्सर दक्षिण अफ्रीका के नैतिक विवेक और दशकों की नस्लवादी राजनीति से विभाजित राष्ट्र के महान सुलहकर्ता के रूप में देखा जाता है। टूटू ने साल 1984 में रंगभेद के अहिंसक विरोध के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। वहीं अब उनके देहांत के बाद अफ्रीका में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है और अपने महान नेता के जाने से पूरा अफ्रीका रो रहा है।